हेलो स्टूडेंट, वेलकम सिंह जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स का लेसन देखेंगे, स्टैंडर्ड फोर्थ का। इसमें नंबर वर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द नंबर्स राइट इन फिगर्स। जैसे हमें क्या करना है, नंबर्स को रीड करना है और उसको हमें फिगर्स में लिखना है। फिगर्स में मीन्स नंबर्स में लिखना है। तभी नंबर्स में कैसे लिखेंगे, 40,000। तो 40,000 कैसे हो जाएगा, तो 4t, 2 नंबर्स के बाद 0 और फिर 3 0, ये क्या आ जाएगा हमारा 40,000। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, 50,050। क्या दिया है, 50,050। तो उसमें भी सेम हम लोग लिखेंगे वैसे ही, उसमें भी सेम हम लोग वैसे लिख देंगे, 50,050। तो 50,050 अभी कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, तो आप देखो 50,000, तो 50 50,000 हो गया। उसके बाद जीरो, क्योंकि 10 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 100 के प्लेस पे, सॉरी 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 10 के प्लेस पे 50 है, 5 है और 0 है कि नहीं। वैसे 12,313, तो पहले 12,000 लिख दो, 12,313। सिंपल एकदम, 45,003, तो 45,000 लिख दो पहले, 45,003 है ना, तो मतलब 10 और 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 45,003 है ना। सिंपल एकदम, 23,105, 23 ये हो गया, 23,100 हो गया, एंड फाइव। समझ में आ रहा है। उसी तरह दिया है सिक्स क्वेश्चन, 68,000, तो पहले 68 लिख दो, ठीक है, 68,000 हो गया, अभी 5, ये 5 हो गया है कि नहीं। सिंपल है एकदम। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। नंबर्स को रीड करना और उसको वर्ड्स में लिखना है। तो पहले हम लोग नंबर्स को रीड कर लेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 52,000 एंड 45, क्योंकि 100 के प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ 0 है। तो 52,000, अभी देखो यहाँ पे 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एंड ले लेंगे, एंड 45। उसी तरह दिया सेकेंड, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो क्या आ जाएगा, 23,000, अभी 400, तो यहाँ पे कॉमा दे दो, 409, क्योंकि यहाँ पे 10 के प्लेस पे 0 है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, क्या हो जाएगा, 45,600, 45,000 है कि नहीं, एंड 600। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 45,600 डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे, क्योंकि 45,000 और यूनिट 10, 100, 100 के प्लेस पे क्या है, 6, और उसके बाद कोई भी नंबर्स का वैल्यू नहीं दिया है ना, यूनिट पे ना ही 10 पे, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली उसको 45,600 लिख देंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो क्या आ जाएगा, 41,000। अभी यहाँ पे 99 का ही सेम नंबर्स दिया, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो 99,000 कॉमा, क्योंकि यहाँ पे सभी प्लेसेस पे वैल्यू दी हुई है, 900 एंड 99।
नाइन, 90, 99। लास्ट दिया है यूनिट 10, 100,000, 10,000, तो क्या हो जाएगा 95। ₹95,000, 700। सेवन हंड्रेड एंड 68। ये हो गया हम लोग का लास्ट। सभी देख लिए क्वेश्चन, एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। रीड द नंबर्स राइट इन फिगर्स, तो नंबर्स को यहाँ से रीड करना है और उसको फिगर्स में लिख देना है। उसी तरह यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या, रीड द नंबर्स राइट द मीन वर्ड्स, नंबर्स को रीड करना है और उसके बाद उसको वर्ड में लिख देना है। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑन द नंबर स्लेट अलॉन्ग साइड राइट 5 नंबर्स बाय चेंजिंग द डिजिट्स इन द यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स एंड 10,000 प्लेसेस वन एट अ टाइम। इसी स्लेट यहाँ पर दिया हुआ है, हमें कितने डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं, 5 नंबर्स, है कि नहीं। ऑन द नंबर स्लेट अलॉन्ग साइड राइट 5 नंबर्स बाय चेंजिंग द डिजिट यूनिट, मतलब ये जो नंबर्स दिए ना 5 नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, इसको इनके प्लेस को चेंज करके हमें न्यू 5 नंबर्स को फ्रेम करने हैं। तो देख लो यहाँ से फर्स्ट, अभी देखो जो यूनिट के प्लेस पे उसको 1,000, 10,000 पे लेकर आ जाओ, वन, ठीक है, फिर टू, थ्री, है कि नहीं, फिर ये वन को यहाँ पे ले लो यूनिट पे और फोर को 10, हो गया ना 12,341। समझ में आ रहा है। उसी तरह हमें 5 नंबर्स फ्रेम करने हैं। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे, सेम वैसे चेंज कर देंगे सभी के प्लेसेस को, या फिर रिवर्स फॉर्म में ले लो आप। थ्री, फोर, टू, वन, वन, समझ लो हम लोगों ने यूनिट का यहाँ प्लेस कर दिया, प्लेस को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। थ्री, वन, टू, वन, फोर, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 31,214। हमें क्या करना है, प्लेस एक बार में सिर्फ एक को ही चेंज करना है, हम लोग सभी को चेंज नहीं कर सकते, है कि नहीं। कामा, तो वन टू थ्री हो गया, अभी फोर्थ ले लो, तो फोर, फोर को 10,000 के प्लेस पे ले लिए, तो इसको ले लो यहाँ पे यूनिट वाले को, यहाँ पर 41,000 हो गया, और वन को 100 के प्लेस पे ले लो, 100 के प्लेस पे हो गया, और इन सबको यहाँ पे ले लो, है कि नहीं। 41,132 कितने नंबर्स हो गए, वन टू थ्री फोर नंबर्स हो गए हम लोग के, है कि नहीं। एक नंबर हमें और बना ली, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं कामा को, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। एक और नंबर फ्रेम कर लो, वन को ले लो, वन, फोर, ठीक है, वन फोर, थ्री, वन, टू, हो गया, है कि नहीं। उसी तरह दिया है फोर्थ क्वेश्चन, यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 9, 5, 6, 1, 8 ओनली वंस राइट 6 5-डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 नंबर्स लिखने हैं, कितने, 6 5-डिजिट के। तो कैसे लिखेंगे, यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस राइट 6 5-डिजिट नंबर्स, 6 नंबर्स लिखने हैं, कितने, 5 डिजिट के। अभी यहाँ पे देखो ऑलरेडी 5 डिजिट ही दिया, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग 5 डिजिट के ही नंबर्स को फ्रेम करेंगे। ले लो पहले से 9,
5 6 1 8, ठीक है। अभी रिवर्स ले लो, 8 1 6 5 9। अभी मिडल में से ले लो, 6 1 8। आप किसी भी तरफ से नंबर्स को ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फिक्स बोला नहीं है कि कौन से प्लेस को इंटरचेंज करना है। उसने बोला वन टाइम ओनली यूज करना है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से ले लो, 9 6 1 8 9। उसी तरह नेक्स्ट नंबर यहाँ से रिवर्स करके ले लेंगे, 65,918। अभी यहाँ से रिवर्स करते हुए यहाँ पे आप फिर इसको इंटरचेंज कर दो। कोई भी नंबर्स को आप उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या मिडल में से भी चेंज करके यूज कर सकते हो। 56,981 है कि नहीं। उसी तरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग उसके आगे देखेंगे, तब तक तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लो। चलो तो अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग डिजिट। अभी हमें क्या करना है, इस डिजिट को यूज करके हमें सबसे बिगेस्ट नंबर बनाने हैं। तो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर ले लो, बिगेस्ट नंबर। अभी सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 7, तो 7 ले लो। उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4 1, तो ये हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। रीड कैसे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 76,541। ये क्या आ जाएगा हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है आपको, समझ में आया। तो ये हो गया हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्स, राइट टू नंबर्स बाय राइटिंग द डिजिट। टू नंबर्स लिखने हैं हमें, 4, 3, 9, 8, 7 इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे क्या करना है हमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज करके यहाँ पे हमें टू नंबर्स को लिखने हैं। पहले लिख लो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रहेगा, जिसे पूरा सबसे बिगेस्ट नंबर पहले ले लेंगे। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 9 है, फिर 8 है, 7 है, 4 है, 3, 1 2 3 4 5 नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर का बोलो, सेम वैसे ही अपोजिट हो जाएगा, 3 4 7 8 9, 34,789, 98,743। तो ये हो गया हमारा टू नंबर्स, राइट टू नंबर्स बाय राइटिंग डिजिट 4, 3, 9, 8, 7 इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया है, कीपिंग द 7 इन द यूनिट प्लेस। 7 को क्या करना है, यूनिट के प्लेस पर ही रखना है। यूज ऑल द डिजिट 6, 0, 7, 5, 4 टू मेक 5 नंबर्स। कितने बनाने, 5 नंबर्स बनाने, राइट द नंबर्स। तो राइट नंबर्स ले लो। तो हमें क्या करना है, 7 को यूनिट के प्लेस पर रखना है ना, तो सबसे लास्ट में 7 को ले लो, यूनिट के प्लेस पे हो गया। अब उसके बाद बाकी के नंबर्स को ले लो, 6, 5, 0, 4, तो यूनिट यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 हो गया। उसी तरह से 7 को फिर से ले लो ऐसे ही, उसके बाद 0, 6, ठीक है, 5, 4, 54,607। हमें क्या, मेन जो हमारा माइंड हो कहाँ पर होना चाहिए अलर्ट, 7 को क्या करना है, सिर्फ हमें यूनिट प्लेस पर रखना,
बाकी नंबर्स को आप चेंज करके फाइव नंबर्स फ्रेम कर दो। थ्री सेम वैसे सेवन को यूनिट के प्लेस पे रख दो, उसके बाद ले लो। अभी स्टार्ट प्रीवियस नंबर से लेते जाओ, 4, 5, 0, 6 है कि नहीं? सिंपल एकदम। सेवन को यूनिट के प्लेस पर रख दिया, उसके बाद नंबर्स को रिवर्स करते हुए चले जाओ। अभी रिटर्न करो, 7 तो हो चुका है, 5, 0, 6, 4 है कि नहीं? तो हमें सिर्फ क्या एक चीज माइंड में रखनी है कि 7 को क्या करना है, हमें यूनिट के प्लेस पे रखना है। तो 7 यूनिट के प्लेस पे ही रहना चाहिए, बाकी नंबर्स को आप चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ से ले लो 56,047 है कि नहीं? 56,047। अभी चेक कर लो सभी के यूनिट प्लेस पे है कि नहीं। 7 यहाँ पे भी है, 7, 7, 7, 7 है कि नहीं? 8 क्वेश्चन क्या दिया है, राइट 5 नंबर्स। हमें क्या लिखने हैं? 5 नंबर्स लिखने हैं, कीपिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ इन द यूनिट प्लेस। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से रखना है यूनिट के प्लेस पे। ये भी सेम वन जैसा ही है, लेकिन हमें इसमें पहले से स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 1, मतलब यूनिट के प्लेस पे 1 रहना चाहिए, बाकी सब जगहों पे हम लोग बिगेस्ट नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ले लो। क्या दिया है? पहले तो ऐसे ले लो, 49,351 यूनिट के प्लेस पे आ गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अभी रिवर्स ले लो, 35,491 है कि नहीं? तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या रखना है? यूनिट के प्लेस पर रखना। अभी यहाँ से ले लो 49,351। थ्री 35,491 है कि नहीं? 35,490। अभी यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेंगे उसको, 941 कर लें तो रिवर्स फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 94, तो 94 है किसी में? नहीं, 94,351 है कि नहीं? अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो यूनिट के प्लेस पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स रखने हैं, तो वो सबसे कंपलसरी हमें याद रखना है। 59,3400 है ना? तो 59,341 ये हो गए हम लोग के 8 क्वेश्चन। ये पूरा एक्सरसाइज हो गया हम लोग का पेज नंबर 11 का। उसके बाद हम लोग आगे के एक्सरसाइज देखेंगे इस लेक्चर्स, इस वीडियो के लेक्चर्स में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी के वीडियोज जो रहेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर का जो वीडियो रहेगा उसमें मिल जाएगा। थैंक यू।